बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन के माइनस टू एफ स्क्वायर माइनस के माइनस फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हैज डिफरेंस, हैज डिफरेंस difference of roots as three. Okay बच्चों, बेटा एक quadratic equation दिया गया, उसका difference of roots as three, then the value of k, then the value of k, ठीक है. इसके बेटा option भी दिए हैं k के, option number a 1, 3, ऑप्शन नंबर बी 3, 3/2, ऑप्शन नंबर सी 2, 3/2, ऑप्शन नंबर डी 3/2, 1. सारे बच्चे ट्राई करेंगे. इसमें बेटा डिफरेंस ऑफ रूट दिया हुआ है 3, ठीक है, ये ध्यान रखना. समीक्षण ऑफ रूट नहीं दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स नहीं दिया हुआ, डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया गया. बेटा किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? पहले देखो, आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स मैंने बताया था, क्या होते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स? जय बोलो बेटा. अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बोलो प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ओके, तो बेटा इससे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, इससे आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो बच्चों. बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? के माइनस फोर अपॉन के माइनस टू. ओके, एंड अल्फा बीटा कितना आएगा बेटा? माइनस टू अपॉन के माइनस टू. ओके, अब बेटा यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा निकल आएगा. और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. यस या नो? बोलो. अल्फा माइनस बीटा की जगह 3 रख दीजिए आप. अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, कितना आएगा? के माइनस फोर अपॉन के माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 4 × 2 अपॉन के माइनस टू. ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका? के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के प्लस 8 के माइनस 16. ओके बच्चों, अपॉन के माइनस 2. एलसीएम भी ले लिया हमने साथ में सर. 3 × 3/2 आंसर आएगा ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन बी. ओके बेटा, ओके. अब यहां से देखिए बेटा, यहां से 16 कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 8K भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली यहाँ पर क्या बच रहा है? K square upon K minus 2. Yes या no? बोलो बेटा, यही बच रहा है कि कुछ और बचेगा? Equal to 3. अब आप स्क्वायर कर दीजिए. सर K की वैल्यू 3 आ रही है. K की वैल्यू 3 आ रही है. देखते हैं अभी. स्क्वायर करो कितना आएगा यहाँ पर?
9 इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन k माइनस 2, k माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा बेटा यहाँ पर, आप ऐसा करिए स्क्वायर रूट ही ले लीजिए, स्क्वायर मत करिए, स्क्वायर रूट डायरेक्ट ले लीजिए यहाँ से, स्क्वायर रूट डायरेक्ट लेंगे तो क्या आएगा 3 इक्वल टू प्लस माइनस k अपॉन k माइनस 2, अब इसके बाद आप k सॉल्व कर लीजिए या प्लस माइनस 3 इस साइड ले लीजिए, तो फाइनली जो आपका आएगा 3k माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस k, ओके बच्चों, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ से k इक्वल टू आएगा 3 और 3 बाई 2, ये आ रहा है ना बच्चों, बोलो यस सर यही आ रहा है, यस yes. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन, ओके सारे बच्चों को क्लियर है ना ये क्वेश्चन, यस ओके। देखो बेटा आपको इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स बोला गया है, कभी आपसे बोल दिया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 दे दिया जाएगा, कभी आपका सम ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, तो आप क्या है जैसे जो बोला जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिया है, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। सर क्यूबिक इक्वेशंस नहीं आती हमारे में, बेटा क्यूबिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, इसके बाद क्यूबिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन भी देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं सर। बोलो कबीर सर, ये पता नहीं चला ये 3 के ऊपर वाला स्टेप सर। बेटा यहाँ पर देखो k माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन k माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप, तो स्क्वायर करने और प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन k माइनस 2, अब बेटा इसमें पहले आप k माइनस 2 एलसीएम लोगे, देन k माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 इंटू k माइनस 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 हो गया, तो 8k माइनस 16 हो गया, अब k माइनस 4 का आप स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या होगा k स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पर 16 प्लस का माइनस का 16 कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट हो गया, देन आपका आंसर कितना है k स्क्वायर अपॉन k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा 3 इक्वल टू कितना आ गया k स्क्वायर अपॉन k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आप स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा प्लस माइनस का ही आता है, तो क्या करोगे 3 इक्वल टू प्लस माइनस k अपॉन k माइनस 2, अब बेटा आप क्या करोगे इसको k माइनस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, 3k माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस k, ओके, तो एक बार k का प्लस ले लोगे एक बार k माइनस लेके देख लो, तो दो आंसर आ जाएंगे k के 3 कॉमा 3 बाई 2, क्लियर है सर। बोलो दिशा। सर आपने डिफरेंस ऑफ रूट में और एक फॉर्मूला लिखा था ना, प्लस माइनस रूट डी अपॉन ए, वो भी कर सकते हैं, डी की वैल्यू हाँ हाँ ओके बेटा वो भी कर सकते हैं, ओके बेटा देखिए मैंने बता रखा है मैथ में आप जैसे आपका आंसर आना चाहिए, मैं इसीलिए हर क्वेश्चन का 2 से 3 मेथड ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, मान लो एक आपने भूला तो दूसरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है यस सर। बोलो बेटा आपने ये जो लिखा है वो और वो इक्वली हो गए ना, क्योंकि अगर इस ये वाले फॉर्मूला में ना हम माइनस बी बाय ए लिखते हैं सी बाय ए इक्वली है, तो वही आएगा बेटा वही आएगा, दोनों फार्मूले तो इक्वल होंगे, जाए समझ में आया कि नहीं, फार्मूले तो इक्वली होंगे, आप ये लगा लो या प्लस माइनस रूट डी अपॉन 4a लगा लो, ठीक है क्लियर है जय पटेल, क्लियर है यस सर ओके। अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग और करेंगे, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो, देन टेन 30 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द value of
टू प्लस एन माइनस एन। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या क्या बोले गए, टेन 30 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू प्लस एन माइनस एम। देखते हैं जब बेटा ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया तब आपको कैसे करना है, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सर ने हमसे बोला क्या कि आपको एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स मैंने क्या बोले हैं, टेन 30 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री। ये रूट्स है इसके। तो बेटा अब देखो, अब आपसे पहले आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स, एस ओ आर, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस एम माइनस एम, तो मतलब टेन 30 डिग्री प्लस टेन 15 डिग्री इक्वल टू माइनस एम, मतलब माइनस बी अपॉन ए होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा एम बी का, यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है, वन है, बी इक्वल टू एम है, सी इक्वल टू एन है। ओके बच्चों, अब यहां से प्रोडक्ट का रूट क्या हो जाएगा, पी ओ आर एल टेन 30 डिग्री टेन 15 डिग्री इक्वल टू एन। ओके बच्चों, अब आपसे पूछा क्या गया है, टू प्लस एन माइनस एम की वैल्यू अपन से पूछी गई है, तो बेटा आपने शायद ट्रिग्नोमेट्री में 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, टेन 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, यस टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन 30 डिग्री प्लस टेन 15 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन 30 डिग्री टेन 15 डिग्री। ये क्लियर है बच्चों, अब यहां पर देखिए टेन 45 टेन 45 इक्वल टू, अब यहां पर देखिए टेन 30 प्लस टेन 15 की वैल्यू दे रखा है क्या, माइनस एम, बोलो बच्चों, यस वन माइनस टेन 30 डिग्री टेन 15 डिग्री की वैल्यू दे रखा है क्या एन, अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कब इस वन, अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो क्या होएगा, वन माइनस एम इक्वल टू माइनस माइनस एन, तो एम को आप इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एन प्लस एम, यही आएगा, यही आएगा ना कुछ, बोलो, या आप इसको डायरेक्टली अपन को क्या चाहिए, टू प्लस एन माइनस एम की वैल्यू चाहिए, तो अपन कुछ देखो कि आप यहाँ पर एन को आप इस साइड लाइए, वन इक्वल टू एन माइनस एम, वन इक्वल टू एन माइनस एम आया। अब बेटा देखो यहाँ पर अपन को टू भी चाहिए, तो यहाँ पर टू ऐड कर दिया, यहाँ भी टू ऐड कर दिया, तो क्या निकल के आ गई क्या, यही आपसे शायद पूछा गया था, टू माइनस एम प्लस एन इक्वल टू कितना वाट, यही पूछा गया था ना, बोलो बेटा, यस सर, यस, तभी क्लियर हुआ ना बेटा, हाँ सर क्लियर, तो बेटा यहाँ पर टू माइनस एम प्लस एन इक्वल टू थ्री। ओके, अब आपको कुछ आइडिया चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक में, यस या नो, यस सर, ओके नोट कर लो आप। बोलो कविश, इसके पहले वाले सम में वो नहीं करूं, इसके पहले वाले सम में बेटा, इसके पहले वाले सम में क्या हो गया, करो ना सर ऊपर दो, सर ये मल्टीप्लिकेशन में पता नहीं चला, थर्ड सेकंड स्टेप के बाद का, इसके बाद से वो k स्क्वायर प्लस 16 वो प्लस 8 के कैसे आया सर, वो नहीं पता बेटा, k माइनस 4 का, k माइनस 4 का आप स्क्वायर पहले ले लो, तो क्या आएगा k माइनस 4 का स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 के आएगा बेटा, क्लियर हुआ, k माइनस 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा,
के स्क्वायर प्लस 16 सर, उसके बाद का सर प्लस 8 के माइनस 16 कैसे आया सर? वो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का सर? बेटा इसको एलसीएम लेना है यार, यहाँ पर देखो के माइनस 4 का स्क्वायर है अपॉन के माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस 8 अपॉन के माइनस 2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? के माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर तो सिंपली आएगा के माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8। यहाँ पर के माइनस 2 एक ही है, यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा 8 के माइनस 2। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे तो यही आएगा, क्लियर है? हाँ सर, ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। हाँ सर। दिशा दिया नेत्री बेटा, आप लोग क्लियर है? यस सर, मुझे डाउट है। क्या बोलो बेटा, क्या डाउट है? हाँ सर, आपने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बाद ये 10 45 10 30 15 किया ना, मतलब वो क्यों किया बस बेटा? यहाँ पर क्योंकि अपन को इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो अब यहाँ पर 10 30 10 प्लस 10 45 की वैल्यू तो 10 15 की वैल्यू में आपको प्रॉब्लम होगी, तो 10 15 की वैल्यू ना निकालते हो, हमने 10 45 को ले लिया। यहाँ पर 10 45 क्या हो सकता है? 10 30 प्लस 10 15 45 को क्या ले सकते हैं? 30 प्लस 15 ले सकते हैं बेटा। तो ये 10a प्लस b का हो गया। अब 10a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। ओके हाँ ओके। पर सर हमें तो सिर्फ 2 ही बनाना था, तो सर हम 1 ऐड नहीं करने का, 2 क्यों ऐड किया सर आपने? तो बेटा यहाँ पर 2 माइनस m प्लस n ही तो लिखा हुआ है, देखो 2 माइनस m प्लस n इक्वल टू 3 तो आ रहा है। नोट हो गया बच्चों? यस यस। बेटा थर्ड सम देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन the roots of equation x square plus ax plus 1 equal to 0 is less than root 5, then find the set of possible values of a. क्या बोला गया? If the difference between the roots of equation x square plus a x plus 1 equal to 0 is less than 5, तो मतलब क्या बोला गया? मान लो इसके रूट से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x square plus ax plus 1 equal to 0, इसके रूट से बेटा क्या बोलेगा यहाँ पर? अल्फा और बीटा। तो बेटा इनका डिफरेंस ऑफ रूट क्या बोला गया? डिफरेंस ऑफ रूट इज लेस देन 5, यही बोला गया है क्या? रूट 5 बोला गया है। क्लियर है क्या? बोलो बेटा। यस। अब बेटा डिफरेंस ऑफ रूट इज लेस देन रूट 5। अब बेटा डिफरेंस ऑफ रूट को मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है? ओके, इज लेस देन रूट 5। अब बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे क्या? अल्फा प्लस बीटा बेटा मॉडुलस इसलिए लगाया है, और अल्फा और बीटा मतलब यहाँ पर क्या हमें नोन नहीं है ना, तो यहाँ मान लो बीटा बड़ा हो गया तो माइनस आ जाएगा ना, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट अंदर, जब भी मैंने बताया था ना कि स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देता, क्लियर है ना बेटा, जब इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे? हाँ सर, इसीलिए हमने मॉडुलस सब लगा दिया। ठीक है बेटा, कभी भी आपको डिफरेंस करना हो रूट्स वगैरह में, हमेशा ऑलवेज मॉडुलस लगाइए आप, ये सामने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है देन। तो बेटा यहाँ पर अच्छा, ये भी इसमें यदि ये बोल दिया जाए, नहीं इसमें यदि ये बोल दिया जाए कंडीशन, और मैं कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं। कितना भाई जरूरत? बोलो बेटा।
नहीं सर, नहीं सर, तब नहीं आपको दिख रहा है ना कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या करोगे, माइनस ए का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना आएगा बेटा यहाँ से, माइनस फोर, माइनस फोर इज लेस देन रूट फाइव। अब बेटा यहाँ से क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन रूट फाइव। अब बेटा क्या करोगे आप, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कर दो स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर लेस देन फाइव, लेस देन फाइव, ओके। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, अभी बताओ एक ही पॉसिबल वैल्यू बताओ, फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, ए स्क्वायर इज लेस देन नाइन, हेंस ए स्क्वायर माइनस नाइन इज लेस देन जीरो, ए माइनस थ्री, ए प्लस थ्री इज लेस देन जीरो, इनइक्वालिटी बन रही ना, और हम लोग बचपन से पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, yes. आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। इसमें क्या पूछा गया, x belongs to minus 3 to 3, minus 3 to 3, यहाँ पर x नहीं a आएगा क्योंकि a में देख रहे हैं ना वैल्यू, हाँ सर, a belongs to minus 3 to 3, यही आपका फाइनल आंसर, यही पूछा गया, फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, ओके बच्चों। यदि इसमें मैं क्वेश्चन और अच्छा बनाने की कोशिश करूं, फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स कितने आएंगे बोलो बच्चों, या फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर, माइनस टू से लेके टू तक बेटा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, यही इंटीजर्स आएंगे, यस या नो, ओके। मतलब ये भी पूछ लिया जाए तो आप बता लेना, ये नहीं कि इसको छोड़ दे आगे, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता कभी भी, ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू हो तो सर सिक्स हो जाएंगे ना सर, हाँ तब तो माइनस थ्री और थ्री में ले लिया जाएगा ना बेटा, हाँ तो सेवन हो जाएंगे ना सर, हाँ फिर सेवन हो जाएंगे। नोट कर लो बच्चों, आज नेट थ्री एब्सेंट है ना, ओके डन हो गया, यस। अब बेटा आगे देखते हैं, अब टू टू थ्री क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जितना कल हमने पढ़ा था उसमें टू टू थ्री क्वेश्चन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कर लिया है, तो टू टू थ्री क्वेश्चन करने से ये अपन को पता चल गया है कि चीजें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओके। अब देखते हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, बेटा नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले लेट अस कंसीडर ए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है बेटा क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा हमने कंसीडर कर ली जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर क्या होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, ये रियल, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यही होता है ना बेटा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए यही कंडीशन लगती है कि नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बोलो बेटा, यस। अब बेटा इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ओके क्लियर बेटा,
यही रूट्स होते कि नहीं, दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस ले लोगे एक बार माइनस लेके दो रूट्स आ जाएंगे। बोलो yes. यहाँ पर बेटा अपन को ये भी पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। और डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं नेचर बेटा। अब देखो यदि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या, जैसे डिस्क्रिमिनेंट का ही सारा खेल है क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट में ही जैसे डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो क्या ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होगा, तो रूट डिफाइंड हो जाएगा ना। बोलो yes. एक बार जीरो लेके देखते हैं, एक बार ग्रेटर देन जीरो लेके देखते हैं, एक बार लेस देन जीरो लेके देखते हैं। ओके ओके सर। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है लो, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, चीजें दिखनी चाहिए ठीक है, रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मतलब कुछ आपका इस टाइप का आएगा क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, मान लो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमने 10 ले लिया ठीक है, 10 अपॉन 2, ए को 1 मान लिया, तो यहाँ बेटा क्या रूट 10 है, तो यहाँ पर क्या रूट क्या दिख रहा है, एक रूट आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट 10 अपॉन 2, तो सेकंड रूट क्या आएगा माइनस बी माइनस रूट 10 अपॉन 2, दो रूट आ रहे हैं कि नहीं, बोलो यस सर। यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं तो वहां पर दो रूट आ रहे हैं, और दोनों रूट क्या आ रहे हैं, डिस्टेंट आ रहे हैं, रियल रूट, रियल एंड डिस्टेंट रूट आ रहे हैं, रियल डिस्टेंट। तो बेटा यहां क्या लिख लेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, यस रियल एंड डिस्टेंट। ठीक है, ये चीज आपने यहां से देख लिया, हिंदूज मेथड जो मैंने कल पढ़ाया था या धराचार्य मेथड पढ़ाया था, तो उससे आप लोगों ने देख लिया ठीक है। अब बेटा इफ सेकंड नंबर, इफ डी इक्वल टू 0 ले लिया है, सोचो आप लोग रियल एंड सेम, टू सेम एंड सेम, यस रूट्स आर रियल रियल एंड सेम, इक्वल इक्वल बोल दो या सेम सेम बोल दो। ओके अब बेटा थर्ड कंडीशन लिया जाए, इफ डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0 में देखो इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट मतलब कॉम्प्लेक्स रूट भी हो ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे ठीक है, इफ डी इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स भी ऐसा बोल सकते हैं, यस बेटा रूट्स आर इमेजिनरी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में इसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स रहते हैं जो यहाँ पर पूछा जाता है ठीक है। अब समझ में आया, पहला क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ डी इक्वल टू 0 है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ डी इज लेस देन 0 है रूट्स आर इमेजिनरी। ओके और कहां से आई ये भी चीजें दिख रही है ना यहाँ पर, धराचार्य मेथड से देखो, हिंदू मेथड जो पढ़ा है हम लोगों ने वहां से देख पा रहे हैं। ओके नोट कर लो बेटा इतना, सर मैं पूछ सकते कि प्रूव वो वाली हिंदू मेथड क्या हुआ कभी, सर हमें वो हिंदू मेथड पूछ सकते हैं डिराइव करो बेटा, यस पूछ सकते हैं, बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है हिंदू मेथड डिराइव करना, मैंने कल बताया था परफेक्ट विचार बना के, बोर्ड में थोड़ी पूछेगी सर, बोर्ड में 12th का पूछेगी ना, मतलब 11th के एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे, 11th ऐसे ऐसा तो नहीं है कोई सिस्टम सो जो कोरोना फिर से लग जाए, हां 10th के जैसे, टेंथ के जैसे कोरोना, 11th तो नहीं लगेगा, 11th एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है, एग्जाम देना पड़ेगा तो मतलब पूछा जाता है कभी कभी ठीक है। डिराइव द हिंदू मेथड लिख दिया जाएगा, श्री धराचार्य मेथड लिख दिया जाएगा, जो भी लिखे नोट हो गया बेटा,
यस सर। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a coefficient of quadratic equation are rational then its irrational roots always occur in pair of if p plus root q is one of the roots। बेटा इसमें क्या बोला गया है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अपन ने जनरल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिख लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें यदि आपसे बोल दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रेशनल, ओके रेशनल से किसके रिप्रेजेंट कर दिया, जेड से रिप्रेजेंट कर दो रेशनल को, बोलो यस या रेशनल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है कंफ्यूज मत होना आप लोग। यदि बेटा यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रेशनल है तो उनके जो रूट्स आएंगे बेटा वो इरेशनल रूट्स आएंगे ऑलवेज। जैसे ही उस क्वाड्रेटिक ने बोल दिया ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रेशनल देन आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना पड़ेगा कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल आएंगे। और उसमें ये भी होगा इफ पी प्लस क्यू इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि बेटा एक रूट पी प्लस क्यू है तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा p माइनस रूट क्यू ओके ये आपको क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपको p प्लस रूट क्यू या p माइनस रूट क्यू एक रूट दे दिया जाएगा आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप क्या करोगे सोचते रहो जाओगे। एक बार पता है ऐसे ही 2015 में बच्चा नहीं 2017 में क्वेश्चन आया था ऐसा 2017 में बच्चा एक आया उसको बोल दिया गया क्वेश्चन ये था अभी देखना आप लोग कितनी आसानी सॉल्व करोगे। Find the quadratic equation